घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले MDH, MDH। नमस्कार, घटनाचक्र में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो विषय थोड़ा संवेदनशील है। उसके बारे में आमतौर पर हम लोगों के मेहमानों की राय भी रही है, और जब पूरा दिन में हम लोगों से बातचीत की तो लोगों ने कहा कि इस विषय पर बातचीत न की जाए तो बेहतर है। आप सोच रहे होंगे आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा है प्रधानमंत्री की सुरक्षा का। पिछले साल में और इस साल में लगभग 3 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जहां पर यह सवालिया निशान लगा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी कमजोर है। और इस सवालिया निशान लगने के कई कारण भी हैं। एक जहाज अपना रास्ता भूल जाता है, प्रधानमंत्री घर से गुजरता है, एक रूट में कार घुस जाती है, कार पकड़ी जाती है, एक रूट में साइकिल घुस जाती है, साइकिल पकड़ी जाती है, होता कुछ नहीं। अगर जो हो रहा है वो बताया नहीं जा रहा है। आखिर क्या माजरा है? प्रधानमंत्री जाते हैं, पूरा का पूरा आधा शहर को खड़े रहना पड़ता है, रेड लाइट ग्रीन लाइट रेड लाइट में बदल जाती है। आखिर क्यों? प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या वास्तव में खतरे में है? और यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मामला नहीं है, यह एक पद का मामला है, एक इंस्टीट्यूशन का मामला है, और इससे जुड़े तमाम सरकारी तंत्र का मामला है जो तिरंगे पर भी कई सवालिया निशान लगाता है कि 100 करोड़ लोगों के देश का प्रधानमंत्री इतना असुरक्षित क्यों है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। बातचीत में मजा शामिल है, मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं आपसे। हमारे बीच में है जोगिंदर सिंह जी, हैं पूर्व निदेशक CBI। जोगिंदर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हमारे बीच में है BP सिंघल साहब, हैं जो कि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन सांसद होने के अलावा सिंघल साहब एक बहुत बेहतरीन पुलिस अफसर रहे हैं। सिंघल साहब, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में हैं डॉक्टर SD त्रिवेदी साहब, हैं जो कि पूर्व विशेष सचिव गृह मंत्रालय रहे हैं। त्रिवेदी साहब, आपका भी स्वागत है। प्रोग्राम की इब्तदा तो मैं सिंघल साहब से ही करूंगा, क्योंकि सिंघल साहब सत्तारूढ़ दल से जुड़े भी हैं और पुलिस की व्यवस्था से भी वाकिफ हैं। सबसे पहला सवाल सिंघल साहब हम ये करेंगे पब्लिक के खास तौर से, कि जब प्रधानमंत्री का कारवां गुजरता है तो जहां जहां से गुजरता है उसके 1 घंटा पहले और जिस जगह जाते हैं उससे 24 घंटा पहले बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, ऐसा क्यों है? आखिर आपकी बहुत गलत फहमी है जी। पहली बात तो मैं आपके जो आपने जो ओपनिंग रिमार्क्स दिए थे जी, उस पर मैं कुछ ऑब्जेक्शन कहूंगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री किसी भी तरह से असुरक्षित नहीं है जी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत ही संपूर्ण ढंग से हो रही है, तो ये गलत फहमी ना लाया जाए कोई कि प्रधानमंत्री किसी भी तरह से असुरक्षित हैं। दूसरी बात जो आपने पूछा कि पहले ये जो पहले बहुत पहले जब इतना गैजेट्स नहीं थे, वायरलेस नहीं थे, इतना नहीं थे, इतना फास्ट मोड नहीं था कम्युनिकेशंस का, तो रुक जाते थे काफ़ी देर पहले। उस टाइम में इतनी थ्रेट भी नहीं थी, इतना जोखिम भी नहीं था पूर्व प्राइम मिनिस्टर की तरफ जितना आज बन चुका है पिछले कुछ सालों से। लेकिन फिर भी कम से कम रहता है, ट्रैफिक को स्टॉप किया जाता है मुश्किल से 10 मिनट, इससे ऊपर नहीं होता। नहीं, अभी जैसे नेहरू प्लेस गए प्राइम मिनिस्टर, पूरा नेहरू प्लेस जाम हो गया, नहीं नहीं खाली करा दिए गए, देखिए छुट्टी कर दी गई अब एक छोटे से फंक्शन के लिए। लेकिन क्या इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती है कि प्रधानमंत्री जाए और अपना काम करे? जैसे प्रधानमंत्री, ये वो जमाने तो नहीं रहे जी। आज जिस प्रकार की थ्रेट टेररिस्टों से है उसको देखते, पार्लियामेंट तक पर अटैक करने की हिम्मत जो कर सकते हैं उसको देखते, अगर सिक्योरिटी के मामले में कुछ एक्स्ट्रा कर लिया जाए वो तो ठीक है, लेकिन खामी रहना वो बहुत ही आपत्तिजनक होगा। तो सिंह जोगिंदर सिंह जी, आप बताइए, आप मैं पहले सवाल पर पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से देखिए सर, पब्लिक को ऐसा है कि पब्लिक की परसेप्शन अपनी जगह बिल्कुल सही है,
पर जैसे सिंगल साहब ने कहा है कि प्रधानमंत्री एक इंडिविजुअल नहीं है, ना वाजपेयी थे, ना राजीव गांधी थे, ना इंदिरा गांधी थी, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें, एक जमाना था, मुझे याद है कि 1947 में 15 अगस्त को मैं दिल्ली में था, उन दिनों में ये आजादी देखने के लिए आए थे हम, तो नेहरू जी को आप हाथ लगा सकते थे, वो जा रहे थे वहां पे। अब तो वो कोई, अब पता नहीं हाथ लगाने वाले आदमी के पास बम होगा ये कुछ होगा, क्योंकि आपके सामने दो प्रधानमंत्री मारे जा चुके हैं, राजीव गांधी को ह्यूमन बम ने मारा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी असुविधा होती है, अभी तक हमारे पास भी इतनी गैजेटरी नहीं आई, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस, जितनी की होनी चाहिए। तो रिजल्ट यह है कि फिजिकल सिक्योरिटी पे ज्यादा एम्फेसिस है, जहां जो कि गैजेट दूर तो से उसकी एम्फेसिस की बात बाद में करेंगे, मैं पब्लिक के परसेप्शन की बात कर रहा था कि पब्लिक को जो शिकायत है कि प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो जगह बंद कर दी जाती है, 24 घंटे पहले जगह सील हो जाती है। सिर्फ वही नहीं है, प्रधानमंत्री किसी फंक्शन में भी जाते हैं तो कानून ये है, या राष्ट्रपति जाते हैं तो आप छोड़ नहीं सकते जब तक वो चले नहीं जाए, ताकि उनमें नहीं हो जाए। पब्लिक की परसेप्शन अपनी जगह ठीक है, पर ये थोड़ी बहुत ही इनकन्वीनियंस तो हमको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसके साथ एक जोगिंदर सिंह जी, बिल्कुल आपने पहले सवाल का जवाब दिया, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं दूसरे उस प्यार और बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया था, मैं त्रिवेदी साहब की राय जान लूं। त्रिवेदी साहब आप बताएंगे, जहां तक आपने कहा कि जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाते हैं, विशेष रूप हम प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं, तो सारा रास्ता 48 घंटे 24 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, या जिस जगह वो जा रहे हैं वहां पर एक रास्ता रुक जाता है, माहौल रुक जाता है और लगता है कि जैसे यहां कोई भी नहीं है। तो ये बात जहाँ तक मैं विचार करता हूँ ये बात ठीक नहीं है। अभी जैसे हमारे सिंगल साहब ने जैसे बताया कि 15-20 मिनट पहले रास्ता बंद होता है और उसको चेक करने के लिए जो सिक्योरिटी पर्सन लगाया था उसकी देखभाल में रहता है, और जो भी आदमी उस रास्ते से गुजर रहा है उसकी सिक्योरिटी चेक होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे पास उतने गैजेट्स पहले थे, अब नहीं है, या अब थे पहले नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ा फिजिकल सिक्योरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हमारा गैजेट हमारे पास है वो भी फेल कर जाए, वो भी जगह न दे, लेकिन जो आदमी फिजिकल देख रहा है, उसको चेक कर रहा है, सिपाही हो या हमारा ऑफिसर हो, उसका देखना बहुत आवश्यक है। और 10 मिनट 15 मिनट पहले अगर रास्ता बंद हो जाए तो हमें उस बात को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, ऐसा नहीं कि पहले सुरक्षा नहीं थी, अब ज्यादा हो गई, उस समय भी थी, लेकिन उस समय हमारे पास इतना थ्रेट नहीं था, अब थ्रेट ज्यादा है, और प्रधानमंत्री के लिए भी थ्रेट ज्यादा है, राष्ट्रपति के लिए भी थ्रेट ज्यादा है, उनकी सुरक्षा के लिए ये कष्ट आवश्यक होगा। दूसरे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जिन्होंने त्रिवेदी जी ने जो कहा है, देखिए प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम जो है या राष्ट्रपति का वेल नोन होता है एडवांस में, तो जो आदमी श्राद्ध करना चाहे उससे इसको तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकता कि पीएम वहां पर जा रहा है, ये वल्नरेबल स्पॉट देखे जाए कहां पे किया है। तो आतंकवादियों ने तो वो फारूक अब्दुल्ला पे हमला कर दिया, बेंत सिंह को असेंबली के सामने मार दिया, तो इसके बारे में सुरक्षा में जो है जांच या उसको कंट्रोल करने में कोई किसी को अगर आपत्ति हो तो थोड़ी बहुत ही बर्दाश्त नेशनल इंटरेस्ट में इसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम नहीं कोऑपरेट करेंगे वो। जोगिंदर सिंह जी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस के बर्दाश्त करने वाली बात में ठीक है, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि गैजेट्स नहीं है, फिजिकल सिक्योरिटी पे एम्फेसिस है। आप मुझे बताइए कि फोर्सेस की इनकॉम्पिटेंस पे वाय द पब्लिक शुड सफर, अगर फोर्सेस गैजेट्स नहीं है। देखिए फोर्सेस इनकॉम्पिटेंट होती तो कुछ ना कुछ हो गया होता, इतने साल में जो है सब ठीक ठाक रहा है, जिसका मतलब इनकॉम्पिटेंट। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द मटेरियल टू द सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। मैं तो आपको ये अर्ज करता हूं कि सरकार की अप्रोच ये होती है कि अगर आपने सीआरपी आईबी बीएसएफ ने कुछ चीज मांगनी हो तो बाबू समझता है कि जब तक उसके पास आके नाक नहीं रगड़े। सिंगल साहब रहे हैं, एसपीजी के केस में ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं, एक मिनट बात सुन लीजिए, नाक नहीं रगड़े, सिर्फ एसपीजी नहीं है बाकी रहा है, तो वो फाइल को आगे बढ़ाएगा ही नहीं बढ़ाएगा जी। तो ये अभी सरकार समझती है कि हम और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपोजिट पार्टीज हैं, जब तक ये अप्रोच नहीं जाएगी। अब देखिए, मैं सीक्रेट तो नहीं कह रहा, इनको सिंगल साहब को पता है, सबको पता है, जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की रिपोर्ट दी थी कम से कम 3 महीने पहले तक तो गैजेट नहीं आए थे, अटैक के बाद भी जो एमपीज की कमेटी गई थी, ऑफिसर की कमेटी गई थी, अभी तक उसको फुल ऑपरेशन लाने में अभी तक नहीं हुआ। 13 दिसंबर को हुआ था ये अटैक 2001 में, और अभी तक भी फुल प्रूफ नहीं हुआ। यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैं, इसलिए मैं पहले कह रहा हूं। तो अगर ये सभी चीज बाबुओं पे छोड़ देनी है, अगर आपको जरूरत है, आप
जाते हैं, आपने कुछ चीज खरीदनी है, अपनी जेब से खर्च करते हैं, कर देते हैं, यहां समझता है कि डेस्क ऑफिसर भी वो चीफ की प्रपोजल भी वापस कर देगा, वो अप्रोच टोटली नेगेटिव है गवर्नमेंट की। क्योंकि आप दूसरे मुद्दे पे चले गए, जोगिंदर सिंह जी आप उस मुद्दे पे आ गए कि व्हाई आवर फोर्सेस आर नॉट फुली इक्विप्ड, दे आर मेकिंग इट अप बाय द फिजिकल सिक्योरिटी। नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा था, लेकिन मैं लौट के आता हूं। एक मिनट में आपको बता दूं, जो आपने एक बात उठाई थी जी कि 24 घंटा पहले 48 घंटा पहले होता है, वो उधर रोकते कोई नहीं है। नहीं नहीं रोकते नहीं है, जगह का सैनिटाइजेशन कराना नहीं, मगर वो जगह तो सील हो ही जाती है। नहीं नहीं नहीं, वो शब्द सील होना नहीं, सील होना गलत है जी। उसको पूरी तरह से जहां पर जाना है, किसी के घर में जाना है जी, उसके घर की पूरी आगे पीछे चारों तरफ से पूरी तरह से जांच करनी है, कोई चीज प्लांट तो नहीं कर गया बाहर से। भीतर की तलाशी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन बाहर तमाम एनवायरमेंट देखना पड़ता है, उसके चारों तरफ पड़ोस में क्या है, ऊपर छत पे क्या है, वो सब देखने के लिए तो 24 घंटे 48 घंटे पहले टेम्पर तो नहीं किया, कोई डिगिंग अप तो नहीं हुई, और उसको फिर हाथ के हाथ तब तक वॉच रखनी पड़ती जब तक कि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम खत्म ना हो जाए। लेकिन साथ के साथ बंदिश किसी पर नहीं होती है वहां पर, ऐसा नहीं, नहीं वो बात नहीं कर रहा हूं। एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर के आने पर तो रोक होती है जी, लेकिन उससे पहले कोई ऐसी जैसे आपने कहा सील कर दिया था, वो शब्द शायद ठीक नहीं है। सर्वेक्षण होता है, देखभाल होती है कि उसके घर के, उसके चारों तरफ किस तरह के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, किस तरह का थ्रेट हो सकता है, कौन कौन आएंगे, कौन जाएंगे, और इस घर में जहां पर आ रहे हैं इस घर के लोगों का विचार क्या है, उनकी सांप्रदायिक भावना क्या, उनकी राजनीतिक भावना क्या, आर्थिक भावना क्या, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बारे में किस तरह के विचार रखते हैं। और सबसे पहले उनको ही बताना पड़ेगा, कोई भी घटना अगर इस तरह की होती है तो हमारे देश का सम्मान, देश की सुरक्षा का वातावरण टूट जाता है जी। ये आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है। मेरे एक मित्र ने एक बड़े वरिष्ठ टॉप आदमी को बुलाया, तो वो जो सिक्योरिटी वाले उसके घर पे आगे पूछने के लिए, बताइए कौन कौन लोग आ रहे हैं जी, लिस्ट क्या है। उसने कहा मैं तो लिस्ट नहीं दूंगा, आप उनको बोल दीजिए मत आए वहां पे। तो ये हालत कई बार ये होता है कि लोअर लेवल पे वहां तक एक जगह उसने कहा ये आपके घर का हम देखा नहीं, लेकिन जोगिंदर सिंह जी हम मुद्दा दूसरे ही बात कर रहे हैं, हम लोग दूसरे मुद्दे पे आ रहे हैं, पब्लिक इनक्विजिशन की बात कर रहे हैं। मैं एक बिल्कुल खास मुद्दे पे आने वाला हूं। पूरे प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का प्रोग्राम एक बड़ा संतुलन का मामला बन जाता है, पब्लिक कन्वीनियंस और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी दोनों को किस प्रकार से संतुलित रूप से चला सके प्रधानमंत्री, मिनिमम इनकन्वीनियंस से प्रधानमंत्री की 100% सिक्योरिटी सुनिश्चित हो जी, ये मेन मुद्दा यहाँ आता है। बिल्कुल साहब, इस बात से ये निवेदन करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय थोड़ी इनकन्वीनियंस। मैं लेकिन फिर उस मुद्दे पे आऊंगा कि एसपीजी का जब गठन हुआ था, मैं दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक मुद्दे पे आ रहा हूँ, सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए उसमें। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मे के अलावा पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा का जिम्मा भी है। मैं छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आऊंगा, लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल है और आप कोई सवाल जानना चाहते हैं तो आप फोन उठाएं और सीधे हमसे बात करें। हमारा नंबर है 2410001, 2410003। छोटे से ब्रेक के बाद घटना चक्र के सह प्रायोजक एमडीएच मसाले, असली मसाले सर सर एमडीएच एमडीएच तवा फ्राई भरवा मसाला। एमडीएच का नया तवा फ्राई मसाला, सब्जी में भरा या ऊपर लगाया छोड़ूंगा नहीं, एमडीएच तवा फ्राई मसाला। वांट्स अ रैग पिकर, नाउ शी हैज अ बुक इन हर हैंड्स, लाइफ वाज अ कांस्टेंट स्ट्रगल, नाउ शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर फ्यूचर. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for? Now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. बनाओ ऊपर से डालो उबला सा चंकी चाट मसाला, छोले बल्ले बल्ले की बैंगन भाजा, MDH चंकी चाट मसाला दुगने मजे वाला, MDH सिली मसाले सच सच MDH. MDH.
प्रभु अगरबत्ती की सुगंध, ओ भगवान सचमुच प्रसन्न। एमडीएच प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल, इस मुद्दे पर बहस हो रही है। बहस में मसा शामिल हैं जोगिंदर सिंह जी, बीपी सिंगल साहब और डॉक्टर एसडी त्रिवेदी। लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले एक फोन है, राकेश जी हैं हमारे साथ लाइन पे। राकेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, बताएं आपका क्या सवाल है। आई हैव अ वेरी लिमिटेड क्वेश्चन। व्हाट इज द बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल इन द सिक्योरिटी डिटेल्स ऑफ द वीआईपीज? कैन दे राइड रफशॉट ओवर द सिटीजंस? दे शुड नॉट। They are very courteous, but there can be an odd exception, which must be reported by the person concerned. Declaring कि इस जगह पर ऐसे, और आजकल तो वो लिखा भी रहता है, नाम भी लिखा होता, नाम लिखा होता है, नाम नोट करके रिपोर्ट करिए कमिश्नर पुलिस को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ है उसकी इतनी ज्यादा ट्रेनिंग होती है, उसका मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग होती है, उनकी साइकोलॉजी के बिहेवियर के लिए ट्रेनिंग होता है कि उनको दूसरे आदमी से किस तरह व्यवहार करना चाहिए। धन्यवाद राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया। जोगिंदर सिंह जी, एक मुद्दे पे आता हूं मैं। 31 अक्टूबर 1984 को जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई थी, तो उसके बाद एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बना जो सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बना। और राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव की सरकार में एक बिल आया और उस बिल में अमेंडमेंट किया गया, पार्लियामेंट ने एसपीजी बनाई के पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के लोग भी उस सुरक्षा दायरे में आएंगे और एसपीजी उनको भी दी जाएगी। अब एसपीजी के लोग भी मानते हैं, हालांकि एसपीजी के लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो डिनाई करेंगे, इतने प्राय प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा का भार रहता है कि एसपीजी की जो रियल स्प्रिट है उसमें एक फटीक आ गई है। सिर्फ फटीक ही नहीं आई जी, अब यहां दो दिन के प्रधानमंत्री को भी उतनी सिक्योरिटी देंगे, जिसको थ्रेट की परसेप्शन नहीं वो भी नहीं देंगे जी, सभी को देंगे, गधे घोड़े को बराबर कर दिया है जी। थ्रेट के हिसाब से दे दे, कोई हर्ज नहीं, किसी को भी देते जो नहीं है। मैं आपको फिक्र देता हूं कि हमारे जो हैं प्रधानमंत्री के दो तीन की फिक्र मेरे पास है, मैं बताता हूं। इंद्र कुमार गुजराल के घर पे 167 एसपीजी पर्सनल हैं, 25 एसपीजी कार हैं। नरसिम्हा राव के घर पे 162 एसपीजी पर्सनल हैं, 24 एसपीजी कार हैं। इसके अलावा हैदराबाद में उनके घर के ऊपर 71 एसपीजी मैन एंड 25 एसपीओज एंड 25 एसपीजी कार्स आर डिप्लॉयड टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली। ये तो आपने एक आदमी का बताया, दो का। अच्छा जी, जो ये रिपीट कर लीजिए, बाकी रह गए एक देवेगौड़ा रह गए, आई के गुजराल हैं, वीपी सिंह हैं, वीपी सिंह, सोनिया गांधी हैं। हाँ, सोनिया गांधी सोनिया है। तो ये फिगर को आप जो रफली जी 24-25 गाड़ियां सरकार की खर्चे के ऊपर जी, 300 से 500 लाख तक भी एसपीजी के आदमी उनके यहां डिप्लॉयड हैं जी। और इसका जो है कोई इसका कंसर्न नहीं है, तल्लुक नहीं है के कोई थ्रेट परसेप्शन क्या है। इसके अलावा आउटर पैरामीटर पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस, दिल्ली पुलिस जी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबी कमांडोज वो लगते हैं, वो तो फिगर्स अवेलेबल नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। एक मिनट त्रिवेदी जी, चंडीगढ़ से फोन लाइन पे है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी आप अपना नाम बताएंगे? नमस्कार जी।
मैं भागर बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से जी। जी बोले साहब। तो मेरा प्रश्न ये था कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट की तो सिक्योरिटी का तो समय लग गई हमें कि भाई उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए जी। आजकल हर एक ही आदमी जो वीआईपी बना हुआ है, जिसकी जो गाड़ी देखो उसमें एक ऑर्डिनरी जो ऑफिसर है वो मंत्री है वो उसके पांच छह गाड़ियां आगे पांच छह गाड़ियां पीछे सारी ट्रैफिक आगे पीछे कर देते हैं जी। तो मतलब आम आदमी का भी कोई महत्व है इस देश में कि नहीं? बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। और अंग्रेजों में क्या फर्क रह गया? मैं ये सीन ब्रिटिश रूल जी भी यही करते थे और ये भी यही करते हैं। वो तो रूलर थे मान लिया, ये तो पॉपुलर, ये कहते हम पॉपुलर लीडर हैं तो क्या फायदा हुआ? नहीं नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट त्रिवेदी जी बोला। मैं एक मिनट, एक सेकंड सर जी। ये मैंने देखा है कि सब डिविजनल ऑफिसर्स स्टेट्स में जो कि वन ऑफ द लोएस्ट गस्ट ऑफिसर होता है, चाहे वो फॉरेस्ट का हो चाहे स्टेटिस्टिक्स का हो, सभी लाल लाइटें लगा के घूमते फिरते हैं। और कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि लाल लाइट के बारे में, दिल्ली में तो इन्फोर्स होता है और बाकी जगह कोई नहीं देखता वहां मुझे। लाल लाइट अलग है लेकिन ये उठाई है। एक मिनट सिंगल साहब, एक मिनट त्रिवेदी जी बोलना चाहते हैं। इस समय हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी बारे में कर रहे हैं, जो हमारे लोकल ऑफिसर जैसे सिंह साहब ने कहा कि गजट लगा के घूमते हैं लाल बत्ती लगा के, वो तो खैर हमारा ये मुद्दा नहीं है कि उसके ऊपर सरकार को कोई आदेश है कि लाल बत्ती कौन लगा सकता है। दिल्ली में भी कोई नहीं लगा सकता। खैर हम जहां तक कि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का सवाल है, अभी उन्होंने ये भी कहा कि पुराने मैं एसपीजीपी की बात कर रहा था, लेट्स कम टू द एसपीजी के बारे में। जो देखिए क्या इस देश में क्या हो गया है कि प्रधानमंत्री जो कि 100 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है इस डेमोक्रेसी में, उसके लिए एक एक्ट पास हुआ, उस एक्ट को डायल्यूट कर दिया और आपने 6 या 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों को आप जो है पूरी उसमें डिप्लॉय कर दिया। अभी और क्या है कि पता नहीं है। थोड़ा सा ये बात तो बिल्कुल निश्चित है जी, इस पूरे विषय को बहुत अच्छी तरह से रिव्यू करना बहुत आवश्यक है जी। जहां तक उन्होंने जो बात उठाई थी वो भी अपनी जगह बहुत ही निंदनीय है जी। मैं निंदनीय कहूंगा जी। एमपीज हैं वो एक शैडो लिए घूमते हैं, गनमैन लिए घूमते हैं। मैं भी एमपी हूं 4 साल से, तो मेरे पास ना तो शैडो है ना वो है क्या नाम है कोई गनमैन रखा हुआ है। सिंगल साहब खुद ने स्ट्रांग थप्पड़ मारे हैं। नहीं नहीं सवाल नहीं है, सवाल ये स्टेटस सिंबल है जी। जी स्टेटस सिंबल बना रखा है, जो जितने ज्यादा कमांडोस के साथ घूमेगा उसका रुतबा उतना ही दिखेगा। गांव वालों पर शायद प्रभाव पड़ता है, इसलिए लोग घूमते हैं उसको लेकर। अगर अकेले चले जाएंगे अरे साहब ये तो कुछ ऐसे ही है। सुरक्षा के बारे में जो आपने प्रश्न उठाया, 1985 अप्रैल में ये हमने स्पेशल प्रोटेक्शन को बनाया था। उसका कारण ये था कि अभी तक जो हमारी ब्लू बुक है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और वीआईपीज की सिक्योरिटी लिखी हुई है, वो स्वतंत्रता की प्राप्ति के तुरंत बाद बनाई गई। और उसमें जो हमने स्पेशल प्रोटेक्शन को बनाने के पहले जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट थे वो स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उतनी इफेक्टिव नहीं थी। और अगर मुझे याद पड़ता है कि जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को एक जगह लेके गया उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर इलेक्शन बाई इलेक्शन था। उसमें पूर्व जो हमारे अधिकारी थे उनके इलेक्शन के पहले वहां पर मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनका इलेक्शन था। मैं प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी के पीछे था, लेकिन अरेंजमेंट इतना मुश्किल हो गया था कि लोगों ने तूफान मचाना शुरू किया। और मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी के बॉनेट पर मैं बैठ गया जाके और लोगों को धक्का देकर हटाता रहा कि वो प्रधानमंत्री के करीब ना आ सकें। तो उसमें केवल आशा ये करते हैं अगर हम लोकल पुलिस का अरेंजमेंट रखें तो जहां पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो 1985 में बनाया उसमें बहुत सेलेक्टेड स्टाफ रखा गया, उनकी पे बहुत अच्छी दी गई। उनमें जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के साथ सिक्योरिटी स्टाफ लगा उनको हमने ट्रेनिंग बहुत अच्छी रखी, उनको एक निश्चित समय तक के लिए हमने रखा और उनके अंदर एक बलिदान की भावना रखी कि वो प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति के प्रति अगर कोई दुर्भावना रखने वाला है तो उसके प्रति क्या व्यवहार करेंगे। मैं सिंगल साहब इसीलिए प्रोटेक्शन ग्रुप बनाने की आवश्यकता आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो एसपीजी का डाइल्यूशन है डू यू थिंक? नहीं नहीं मैं इस पर आपसे कहा जी, बहुत मेरे मुझे तो ऐसा अनुमान है कि इस पर विचार हो चुका है और जो पूर्व प्रधानमंत्री जितने भी हैं उनके पास से एसपीजी के विड्रॉल के भी आदेश पारित हो चुके हैं। नहीं पारित हुए हैं अभी तक, कोई पारित ऐसे चंद्रशेखर जी को छोड़ करके किसी पार्लियामेंट का एक्ट पास होना तभी कर सकते हैं जी। दूसरे मेरे पास और भी फिगर है जी के जो प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर जो बैठे पड़ते हैं पुलिस के और सीआरपी के जी, उनका नंबर है 3700 पुलिस पर्सनल, 1800 सीआरपी पर्सनल जी, इतने हैं। यानी कि आप 5500 लोग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की घरों पे लगे हुए हैं जी, जो एसपीजी के नहीं है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनका डाइल्यूट करने से एस्टीमेट के मुताबिक 40 करोड़ का खर्चा एक्स प्राइम मिनिस्टर को
डाइल्यूट करने से, कम करने से इसका जो है। चलिए खर्चे की बात तो हम छोड़ भी दें, हम लोग खर्चे की बात नहीं कर रहे, हम लोग प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। रेट के हिसाब से होना चाहिए जी, जिसका थ्रेट हो उसको अवश्य दिया जाए, जिसका थ्रेट नहीं है जी, जो आज किसी तरह से भी थ्रेटन नहीं है उनको देने से कोई मतलब नहीं। थ्रेट के बारे में जो सिंगल साहब कह रहे हैं कि इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, लोकल स्पेशल ब्रांचेस और जहां की दूसरे सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन उनकी राय हमको लेनी पड़ती है, अगर वो कहते हैं कि इनको सिक्योरिटी थ्रेट है तो उनको सिक्योरिटी अवश्य प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैं आदमी को इतनी थ्रेट है, वो लोधी घाट में 15-15 आदमी लेके क्यों आता है, क्या घर में बैठे उसको? जोगिंदर सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी, वो मुद्दा डायलूट हो जाएगा। गुड़गावा से एक फोन है, हम लोग उसको सुनते फिर लौट के आएंगे। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, हाँ जी, सुदर्शन बोल रहा हूँ गुड़गांव से। सुदर्शन जी बताएं, आपका स्वागत है, सवाल क्या है बताइए। सर मेरा एक सजेशन है एसपीजी के बारे में जी, कि जो पीएम है उसकी जो जैसे ही कार्यकाल खत्म होता है जी, तो उसकी जो है एसपीजी उसके लिए 3 साल के बाद खत्म कर देनी चाहिए जी, तो जी। इतनी सिक्योरिटी थ्रेट उनके बारे में नहीं होती है जी। और दूसरा, जो भी वीवीआईपी रोड से गुजरते हैं जी, बोले, समस्या होती है जी, तो उसका जो है अल्टरनेट रूट होना चाहिए जिससे लोगों को, आम लोगों को परेशानी नहीं हो जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्टरनेट रूट तो होता ही है। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे एसपीजी की, मेरे को जी, सॉरी, मैं एसपीजी के बारे में आपसे निवेदन कर रहा था कि जो हमने एसपीजी बनाई उसका केवल पर्पज ये था कि वो सेलेक्टेड ग्रुप होना चाहिए, स्टेट से या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग ट्रेनिंग पे उसको बुलाते हैं, उसके शारीरिक बनावट देखते हैं, उसको अच्छी तरह ट्रेनिंग देते हैं और उसको इतना हम तनख्वाह देते हैं, इतना पैसा देते हैं कि उसको कोई कमी महसूस ना हो सके, और लगातार अगर वो 6 महीने, साल भर, 2 साल ट्रेनिंग की बात करके आता है तो हम उसको वापस भी भेजते हैं कि जब वो कार्यक्रम कर चुका है। तो एसपीजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने दी थी कुछ वीआईपीज के बारे में दिया था, अब ज्यादातर लोगों ने जैसे सिंगल साहब ने कहा कि इट हैज बिकम स्टेटस सिंबल, लेकिन उससे एसपीजी का महत्व तो खत्म नहीं हुआ। ये अवश्य हो सकता है कि हम इतना उस पर खर्च कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक, नहीं देखिए, मैं एसपीजी के महत्व की बात नहीं कर रहा था त्रिवेदी जी, मैं बात कर रहा था वर्कलोड की। वर्कलोड, एक न्यूक्लियस फोर्स आपने बनाई सिर्फ एक व्यक्ति और एक पद पे रहने वाले व्यक्ति के लिए, और आपने उसको डाइवर्सिफाई कर दिया तो द वेरी पर्पज ऑफ फॉर्मिंग दैट फोर्स इज डाइल्यूटेड। सो यू आर फेल्ड इन योर मिशन। आपसे बात तो अंत हूं, लेकिन उसमें केवल उन्होंने ये कहा कि उसकी वर्कफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हुई, उसको नहीं। देखिए एसपीजी के लोग अपने मन से नहीं कहते हैं, लेकिन एसपीजी के लोग जो हमको मिलते हैं वो पर्दे के पीछे हमको ये कहते हैं कि हमको ये नहीं पता समझ में आ रहा कि हमारा इस देश में रोल मॉडल क्या है। हमको कभी बीपी सिंह के पास भेज दिया जाता है, कभी देवगौड़ा के यहाँ भेज दिया जाता है, कभी गुजराल साहब के भेज दिया जाता है। द लेवल ऑफ एक्टिविटी, द लेवल ऑफ टेंशन, द लेवल ऑफ परफेक्शन विच इज देयर विद द पीएम इज देयर नॉट देयर। वो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, ये बात बिल्कुल बहुत गौर तलब है बात जी, कि जो जिस जो चुस्ती पीएम की सिक्योरिटी में आवश्यक है वो डाइल्यूट हो जाएगी अगर उनको 2 महीने 6 महीने एक जगह और दूसरी जगह रख दिया जी, वहां पर सुस्ती में आ जाएंगे बिकॉज वहां थ्रेट नहीं है इतनी जी। और फिर अगर वापस एक किसी दिन पीएम सिक्योरिटी में लाएंगे देन ही विल नॉट बी एज सिंगल साहब, मैं लौट करके आता हूं अपने एक छोटे से ब्रेक के बाद, हम लोग लौट करके आएंगे और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के सवाल पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप फोन उठाएं और सीधे हमसे बात करें। हमारा फोन नंबर है 2410001 2410003। छोटे से ब्रेक के बाद घटना चक्र के सह प्रायोजक एमडीएच मसाले, असली मसाले एमडीएच। नए पाउच में बंद एमडीएच मसाले जो सबके पसंद। दाम वाजबी, क्वालिटी वही एकदम सही, असली मसाले सच सच एमडीएच। हल्दी मिर्च धनिया पाउच में। जब विंटर्स में ड्राई स्किन करी परेशान तब अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम एक संपूर्ण समाधान, ये त्वचा की गहराई तक जाके रूखापन दूर करे, यही तो है असली कोल्ड क्रीम की पहचान। स्किन को बनाए बेबी सॉफ्ट अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम एनरिच्ड विद एलोवेरा, त्वचा ऐसी की प्यार हो जाए अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम। Now she has a book in her hands.
Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. A small step was a big effort. Now he's ready for the walk of life. Unloved and uncared for? Now they take life easy. Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible. सब्जी तवा फ्राई भरवा मसाला MDH का नया तवा फ्राई मसाला सब्जी में भरा या ऊपर लगाया छोड़ूंगा नहीं MDH हा? तवा फ्राई मसाला प्राण से प्रयास प्रयत्न से विश्वास विश्वास से संभव कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति है शुद्धता शुद्धता से शक्ति राजधानी बेसन शक्ति शुद्धता की जहाँ जहाँ जाए शुभ लक्ष्मी वहाँ खुशियों में आए हरी वर्षा धूप सच सच MDH MDH घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के सुरक्षा का सवाल, प्रधानमंत्री कितने सुरक्षित हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे होती है, जो लोग सुरक्षा कर रहे हैं उनका द्वंद्व क्या है और जो लोग उस एसपीजी के घेरे से बाहर हैं उनका द्वंद्व क्या है, कैसे तालमेल और सामंजस्य होता है। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं बीपी सिंघल साहब, जोगिंदर सिंह जी और डॉक्टर एसडी त्रिवेदी जी। जोगिंदर सिंह जी, इससे पहले कि हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करें, मैं ग्राफिक की मदद से अपने देश के दर्शकों को यह बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती कैसे है। एक ग्राफिक की मदद से मैं आपको यह बताऊंगा कि देखिए, ये देख रहे हैं आप जो पहला घेरा है जिसमें कि दो जवान नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बीच में है, ये इमीडिएट घेरा होता है जिसमें दो जवान रहते हैं प्रधानमंत्री के साथ और इनका काम जो है मुख्य जो कि इनको दिया जाता है वो हमला करना नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री को तुरंत किसी भी हमले से बचाना है। इसके तुरंत बाद इन दोनों आदमियों को जो घेरे रहते हैं वो चार लोग होते हैं और इनका काम अगर कोई अटैक होता है या कोई हमला होता है तो उस हमले का पहले सबसे पहले जवाब देना होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो इन चार आदमियों को 8 से 10 के करीब या 12 के करीब आदमी घेरते हैं जो कि इन सब पे भी नजर रखते हैं और बाहर के लोगों पर भी नजर रखते हैं और एक चौथा घेरा होता है जो कि एसपीजी के लोगों का ही होता है जिसमें तमाम तरह के लोग होते हैं और जो सारे एंट्री बैरियर्स को ब्लॉक करते हैं और कहीं नहीं जाने जाते। इसके बाद एक पांचवा घेरा होता है जो हम यहां नजर नहीं दिखा नहीं रहे हैं, वो लोकल पुलिस का होता है जिसमें के तमाम तरह के अधिकारी और सारे बैरियर्स पे पासेस चेक करना और दूसरे जो गेट चेक करना और सारे जितने आर्सनल्स हैं उन सबको बाहर रखवा लेना। ये तो हमने बताया, इसमें नंबर्स एसपीजी डिसाइड करती है कितने नंबर रहने हैं कितने नहीं रहने और स्पॉट टू स्पॉट डिसीजन अलग होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। योगेंद्र सिंह जी, इसके अलावा मैं आपको और एक बात और पूछना चाहता हूं, एसपीजी में जो सिलेक्शन होता है वो 3 साल के लिए डेपुटेशन पे होता है और एसपीजी में जो हमने पिछले साल मतलब 20 साल में देखा 18 साल होने जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑफिसर भी रहे हैं जो 8-8 साल 9-9 साल यहां बिता करके गए और एक क्राइसिस और एसपीजी में आया है कि सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पर्सनल्स इज नॉट देयर और वही सेम जैसी बाकी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है एसपीजी की हालत भी वही हो गई है। व्हाई इट हैज हैपेंड? देखिए सब ऐसा है कि ये जो लोग अफसर 8-8 साल लगाते हैं जी, ये अपने लिंक्स डेवलप कर लेते हैं। हम कंप्लेन करते हैं कि एसएचओ का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, अपनी पोस्टिंग करवा लेते हैं, एसपी एक किसी है तो वो किसी को पकड़ लिया उसने करवा लिया। अब यही चीज जो सारे देश में हो रहा है वो एसपीजी में भी हो रही है, किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ लगी हुई एक्सपेरिमेंट्स के साथ लगे हुए है, उसने अगर रिक्वेस्ट करनी कि ये मेरे साथ रहे 2 साल और रहे तो मेरे ख्याल में ना प्रेजेंट प्रधानमंत्री इनकार करेगा ना दूसरा करेंगे। तो सिस्टम में ये एबरेशंस आ चुकी हैं प्रोटेक्टेड पर्संस की वजह से, वही चाहते हैं उनको ये कहने की बजाय कि ठीक है जो तुम्हारे रूल है उनको फॉलो किया जाए, 3 साल बाद नया आदमी आएगा, यंगर आदमी आएगा, उसके रिस्पॉन्सेज भी होंगे। मैं भी अवेयर हूं इस बात का जो आपने कहा है कि कई लोगों को एसपीजी प्रोटेक्टी ने बाय नेम मांगा है जी कि ये ही आदमी मेरे पास होना चाहिए जी। अब गवर्नमेंट साहब आप क्या कहेंगे? मेरे सिर्फ इतना कहना है
ऐसे केसेस हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं हु आर आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ट्रेनिंग में बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है आप स्पेशली जहां पर कि जो इनपुट जो इन्फ्लक्स हो रहा है वो घट जाता है, तो फिर वैकेंसीज जनरेट करते जिस सिर्फ तीन साल का रूल लगाने के लिए वो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए। नहीं, देखिए मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, आपने एक सिस्टम इवॉल्व किया, आपने एक ब्लू बुक बनाई, आपने जब ब्लू बुक बनाकर के तैयार कर दी, नहीं मैं सिंगल साहब दूसरी बात कर रहा हूं, देखिए यहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है, हम सब अगर इसी तरह लीपा पोती करेंगे अल्टीमेटली वी हैव टू फेस द क्राइसिस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्सन। मिशन क्या है कि हमको एसपीजी के स्टाफ जो हमने तीन साल के रखा था उसके बाद किसी सूरत में उसको रखना नहीं चाहिए जी। लेकिन जैसे जोगिंदर सिंह जी भी कहा, कुछ लोग खुद रिक्वेस्ट करते हैं, आठ आठ साल, मैं नाम बता सकता हूँ, मेरे पास नाम है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। एक सवाल ये कि एसपीजी को जो प्रॉफिट्स मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, जो पैसा मिलता है, जो तनख्वाह मिलती है, जो आराम मिलता है, दूसरे नहीं मिलता, तो वो उसको रहना चाहते हैं और वो गलत है, उसको नहीं अलाउ करना चाहिए। सिंगल साहब, ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, जो रूल अगर बनाया है इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, और लेकिन अगर कोई बहुत आउटस्टैंडिंग है एंड ही इज स्टाउट इनफ, स्ट्रांग इनफ, सर एसपीजी में फास्ट इनफ 20 लोग या 50 लोग आउटस्टैंडिंग, अफसर लेवल पे आउटस्टैंडिंग नहीं, 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 जवान लेवल पे आपको आउटस्टैंडिंग आज भी नहीं मिलता, आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ द लेवल दैट इज गोइंग टू बी स्टैंड फॉर द प्राइम मिनिस्टर। सिंह जी मेरी बात की तायद करेंगे, आईपीएस लॉबी वर्सेज द कांस्टेबल लॉबी, IPS officers remains there for 8 years, 7 years, 6 years and the constable who comes, where is the excellence goes? देखिए मैं तो ये इनके पास कैचमेंट एरिया है जी, BSF CRP जी, रफली तकरीबन नहीं BSF CRP मिलिट्री पुलिस पुलिस फोर्सेस रफली 2-2.5 लाख आदमियों का कैचमेंट एरिया है जी, जिसको SPG मानेगा मांगेगा कोई उसको इनकार नहीं करेगा जी। तो मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ कि 1500-2000 आदमी, 500 की रिप्लेसमेंट ही हुई ना, एसपीजी की स्ट्रेंथ 2-2.5 हजार ही है, 800 की हुई जी। तो अगर वो इट्स कंटिन्यूस एक्सरसाइज रखें कि 2004 में या 2005 में इतने आदमी जाएंगे तो हम इनकी रिप्लेसमेंट का इंतजाम अभी शुरू कर दें, 2003 में शुरू करें, बिल्कुल सही। मैं सिंगल साहब, आप तीनों लोग पुलिस को डील करते रहे, सिंगल साहब आप तो एक जगह खुद डीजी रहे हैं सारी पूरे जीवन भर पुलिस में, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। देखिए मैं आपको खतरे से आगाह कर रहा हूं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लोग लगे हैं उनके रिफ्लेक्सेस, उनकी मोरल्स, उनकी इंटरकनेक्टिविटी, उनकी खासतौर से नॉलेज रिसिपिएंट जो एक्टिविटी है, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, दे मेक देमसेल्फ सो वल्नरेबल के उसमें कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन की गुंजाइश है। सच तो नहीं, लेकिन हाँ, ये अगर रिलैक्सिंग करेंगे, आफ्टर ऑल सोच समझ के रूल्स बने जी, और उनका कंप्लायंस अगर नहीं हो रहा है जी, देन इट्स डेफिनेटली अ वेरी डेंजरस। जैसे आपने बात कही कि जब हमको सेक्रेटरी में एसपीजी या जो भी स्टाफ लगाया है, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर्स हो, चाहे और किसी डिपार्टमेंट के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, दे शुड बी चेंज, दे शुड बी रोटेटेड, एंड इफ इट इज नॉट बीइंग डन दैट इज अ थ्रेट टू द वीआईपी सिक्योरिटी। बिल्कुल त्रिवेदी साहब, यही बात मैं कहना चाह रहा था, हम छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रधानमंत्री को बाहर से नहीं है, लेकिन जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जो लोग उनको चारों तरफ से ताना बाना बुनते हैं, उनकी सुरक्षा के घेरे को का ताना बाना बुनते हैं, उन्हीं को लेकर के इस देश में तमाम तरह के सवाल हैं, वही सवाल हम यहां खड़े कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और बातचीत के अंतिम हिस्से में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि जो भी सिपाही या जवान या एसपीजी के लोग या बीएसएफ के लोग या सीआरपीएफ के लोग जो सुरक्षा करते हैं उनको क्या मिलना चाहिए, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा तकनीकी यानी कि इक्विपमेंट तकनीक की दृष्टि से कितनी कमजोर है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र के सह प्रायोजक एमडीएच मसाले, असली मसाले से एमडीएच, एमडीएच एच रू अगरबत्ती की सुगंध, ओ भगवान सचमुच प्रसन्न, एमडीएच रू। वांस अ रैग पिकर, नाउ शी हैज अ बुक इन हर हैंड्स। लाइफ वाज अ कांस्टेंट स्ट्रगल, नाउ शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ हर फ्यूचर। अ स्मॉल स्टेप वाज अ बिग एफर्ट, नाउ ही इज रेडी फॉर द वॉक ऑफ लाइफ। अनलव्ड एंड अनकेयर्ड फॉर, नाउ दे टेक लाइफ इजी। Concern India Foundation strives to give them a better future. Only you can help make it possible.
असली मसाले सच सच MBH MBH देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का MBH की देगी मिर्च। जब विंटर्स में ड्राई स्किन करे परेशान तब अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम एक संपूर्ण समाधान ये त्वचा की गहराई तक जाके रूखापन दूर करे यही तो है असली कोल्ड क्रीम की पहचान स्किन को बनाए बेबी सॉफ्ट आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम एनरिच्ड विद एलोवेरा त्वचा ऐसी की प्यार हो जाए आयुर हर्बल कोल्ड क्रीम प्राण से प्रयास प्रयत्न से विश्वास विश्वास से संभव कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति भक्ति से है शुद्धता शुद्धता से शक्ति राजधानी बेसन शक्ति शुद्धता की Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल. हमारे प्रधानमंत्री कितने सुरक्षित हैं और कितने असुरक्षित, लेकिन उस सुरक्षा से जुड़े या आपके मन में कोई विचार है कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में और इजाफा होना चाहिए तो आप फोन उठाएं, सीधे हमसे बात करें 2410001 और 2410003. जोगिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं, बीपी सिंगल साहब हैं, डॉक्टर एस डी त्रिवेदी साहब हैं. जोगिंदर सिंह जी, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं कि एसपीजी की कंप्लेंट जो है वो ये है कि जो गैजेट्स और जो इक्विपमेंट्स और जो प्लेन्स उनको मिलने चाहिए वो उनके पास नहीं है. दे आर नॉट अप टू द मार्क ऑफ एनी इंटरनेशनल एजेंसी. दे आर ओनली ए ह्यूमन शील्ड. दे आर डूइंग प्रोवाइडिंग ओनली द फिजिकल सिक्योरिटी ओनली. मतलब आई डोंट वॉन्ट टू पुट द नेम व्हाट द गैजेट्स दे हैव, बट दैट इज नॉट अप टू द मार्क. नहीं, मेरे ख्याल में जो गैजेट्स हैं, जहां तक मैं एंड आई हैव रीजनेबली गुड नॉलेज आल्सो, या गैजेट्स तो बेस्ट उनके पास हैं जी. पर ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी जो कह रहे हैं कि एसपीजी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है और सिक्योरिटी के बारे में मैंने कई एसपीजी के लोगों से बात की. मैं कहा तुम लोगों का जिन आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे हो कितना को इंटरेक्शन होता है, कहते जी वो तो देखते भी नहीं उनकी तरफ जो है जी. ये जो है, अब अगर आपने कोई आइडियल फोर्स रखनी है, एसपीजी को रखना है, अमेरिका में जो है सीक्रेट गार्ड करती है उनको, एसएस यूनिट दूसरे करते हैं, तो 1/3 उनके जो आदमी हैं दे आर अंडर कांस्टेंट ट्रेनिंग और आइडियल उन्होंने रखा हुआ है कि 25% से तो कम आदमी ट्रेनिंग में रखने ही नहीं है जी. अब होता हिंदुस्तान में ये है. एक मिनट जोगिंदर साहब, महाराष्ट्र से एक फोन है, उनको सुनते हैं. हेलो जोशी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में. शायद फोन कट गया. जोगिंदर सिंह जी, जी अच्छा, वो जो उनका जो यही अगर आपकी सैंक्शन 2000 है तो वो सैंक्शन ही गलत है. आपकी सैंक्शन होनी चाहिए 3000 ताकि आपके 1000 आदमी अंडर ट्रेनिंग अंडर रिप्लेसमेंट अंडर प्रेशर जो है बीमार हो जाए उसको कर रहे हैं. एक एक और आपने ट्रेनिंग की बात की सिंगल साहब, मैं पूरा कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो. जी जी बोले. ताकि उसके बाद जो है जी, देखिए ये जो है कई बार ये कहते हैं हमें आदमी नहीं मिलता, यही कहते हैं ना एसपीजी में शॉर्टेज है जी, स्ट्रेच्ड है, वो ही नहीं है. सच्ची बात तो ये है कि जो आदमी घुस गया तो दूसरे को अंदर नहीं आने देता जी. दूसरी बात ये है, इट्स द मेन पावर हाउस ऑफ द कंट्री. अच्छा, दूसरी बात ये है जब रिक्रूटमेंट करने जाते हैं जी, बीएसएफ सीआरपी आरपीएफ आईटीबीपी, तो भैया इनका जो है ट्रेनिंग विंग एसपीजी का उनके साथ जाए, जिसको समझते हैं बेस्ट ले ले और उसकी ऐसी रगड़ाई करे कि वो आदमी निकले, 3 साल बाद उसको वापस हम सीआरपी बीएसएफ जी. मैं जोगिंदर सिंह जी दूसरा सिंगल साहब से एक सवाल करना चाह रहा था. सिंगल साहब,
एक जगह अपीएम की सिक्योरिटी में 29 जनवरी को कार घुस गई और एक जगह 30 जनवरी को अगले दिन मोटरसाइकिल घुस गई, साइकिल। दोनों इंसिडेंट ये दर्शाते हैं और दोनों जो काम हुए वो लोकल पुलिस के कोऑर्डिनेशन की मतलब की लैक से हुए, दोनों चीजें कोऑर्डिनेट नहीं थी। एसपीजी के सुरक्षित रहते तैनात रहते घुस जाते तो कोई बात नहीं थी, समझ में आता था कि वहां लैप्स हुआ, लेकिन एसपीजी और दिल्ली पुलिस जो तैनात करती है चीज बाहर की सुरक्षा का, उसका कोऑर्डिनेशन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अभी तक नहीं है। हालांकि एसपी अग्रवाल ने कहा, बता दूं जी, एसपीजी का अपना एक एक एरिया है जी, और बाकी दिल्ली पुलिस का एरिया बाकी है सारा जी। दिल्ली पुलिस किसको इस्तेमाल करती है वो उनकी चॉइस है, इसमें एक प्राइम मिनिस्टर विंग है बकायदा। हाँ, लेकिन इसमें उनको सिर्फ पेरिफेरी वॉच करनी है। आप तो इस बात को सुनिश्चित किया गया, प्राइम मिनिस्टर को थ्रेट तो कोई नहीं हुई जी। देखिए, एक तो बड़ा अनचैरिटेबल एक व्यू लिया जाता है, 26 जनवरी हुई, इंटरनेशनल पार्लियामेंट हुआ, एनआरआई की कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े बड़े फंक्शंस हुए, और उसमें किस तरह से चुस्ती से सारी सिक्योरिटी बिल्कुल क्लॉकवर्क की तरह चली, उसका तो क्रेडिट कहीं नहीं। एक मोटर वाला 70 बरस का बेचारा घूम गया सर, गोली एक ही आदमी को मारती है, गोली नहीं है उसके पास सर, उसमें कोई धमाका नहीं सर, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोई लैप्सेस की बात नहीं है, सिपाही की कमी सर। एक मिनट, जलंधर से एक फोन है, हेलो, सिपाही की कमी है, हेलो हेलो, शायद फोन कट गया जी। मैं जलंधर से मलूक बात बोल रहा हूँ जी। जी, मेरा सवाल है, आप अपने टेलीविजन की आवाज कम कर दें, कि ये जो क्या है, कानून है कि कोई भी अपनी गलतियों का लाभ नहीं ले सकता जी, जो देश की हालत हो गई है अतवाद जैसी, टेस्ट जैसी या और इंसिक्योरिटी वाली जी, इसके लिए जो लोग जिम्मेवार हैं वो अपने लिए रुकावट रख लेते हैं जी, और आम लोग जो है वो बेचारा सड़कों पर इंसिक्योर रह जाता है जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय बात। इन्होंने कहा कि आम आदमी जो गलतियां करते हैं उनसे हम कुछ सीख नहीं लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं है जी। जो ये लैप्सेस हुए हैं अभी हाल में जी, उनको दृष्टिगोचर क्या था, पहले राइट साइड से ओवरटेक करने के लिए रोकते थे, ये जो गाड़ी गई थी वो लेफ्ट से चली गई थी जी, तो अब चेंज कर दिया, अब राइट और लेफ्ट दोनों साइड को करते थे। उधर क्या था पहले कि जब पीएम जा रहा है जहां पर बीच में डिवाइडर है तो उधर वाले ट्रैफिक को नहीं रोका जाता था। आई के गुजराल साहब ने कहा कि देखिए देखिए सिंगल साहब, वी हैव लॉस्ट टू प्राइम मिनिस्टर्स 31 दिसंबर और 31 अक्टूबर 1984 के बाद, आपने नहीं सुन तो लीजिए, 31 अक्टूबर 1984 के बाद इस देश को यह ख्याल आता है कि एसपीजी बनानी है, जबकि एमके काव जो कि रॉ के चीफ थे वो लगातार पिछले 2 साल से बता रहे थे कि इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में लैप्सेस है, कैबिनेट सेक्रेटरी सुनने को तैयार नहीं थे, होम सेक्रेटरी सुनने को तैयार नहीं थे, होम मिनिस्टर सुनने को तैयार नहीं थे। अभी भी जितनी बातें मैंने आपको बताई है एसपीजी के बारे में, सारी बातें कैबिनेट सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी को, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, नो थिंग्स विल टेक थिंग्स हैव थिंग्स लेसंस हैव बीन लर्नड। मैं इस सवाल का जवाब दे रहा था जी, लेसंस हैव बीन लर्नड जी, एंड अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट्स आर बीइंग सिंगल साहब ने कहा कि हम जो कोई इंसिडेंट होता है उससे उसकी एनालिसिस होती है, उसकी स्टडी की आती है, क्या हम करेक्टिव मेजर्स लेते लेते हैं। इस केस में ये हुआ कि प्रोटेक्टिव अरेंजमेंट्स वर नॉट इफेक्टिव जी, और जो लोकल पुलिस हम लगाते हैं, एक तो एसपीजी का तो काम इंटरनल सिक्योरिटी के बाद नहीं आता, वो जो प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करते हैं उसका लोकल पुलिस करती है। लोकल पुलिस का भी इदारा होता है कि वो आदमी कौन लगाए ये उनकी जिम्मेदारी, जो आदमी मिल गया लगा दिया, चाहे वो सीआरपी लगाए चाहे बीएसएफ लगाए, दे आर नॉट ट्रेन फॉर दैट पर्पज। तो मेरा सबसे बड़ा अनुरोध ये होगा कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनका फिक्स्ड ऑफिसर्स को ड्यूटी लगानी चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर स्टाफ की ड्यूटी करें, जो रूट प्राइम मिनिस्टर यहां से पार्लियामेंट जाते हैं या इनका राजघाट गए या और किसी उस एरिया में, उन्हीं आदमियों की ड्यूटी होना चाहिए जिनकी इफेक्टिव सिक्योरिटी हो चुकी है और जिनकी वेरिफिकेशन इंसिडेंट्स का हो चुका है। हम प्रधानमंत्री के साथ इंसिडेंट जो हो चुका है, उनके खुद गार्ड ने मारा, तो इसका मतलब उनकी इफेक्टिव चेकिंग नहीं हुई। थोड़े दिन बाद उनकी माइंड की थिंकिंग, उनके रिलेशंस ने क्या है, उनके संबंध है, उनके पारिवारिक संबंध क्या है, उनकी वैचारिक संबंध क्या है, राजनीतिक संबंध क्या, उसके ऊपर उनका क्या असर पड़ सकता है, तो उनकी पीरियोडिक चेकिंग अवश्य होनी चाहिए। इस केस में जहां पर इंसिडेंट हुआ, लोकल पुलिस के लोग लगे या जो और पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन लगे, उनको इस बात का कोई ज्ञान नहीं कि उनकी इफेक्टिव सिक्योरिटी के लिए क्या उनका अरेंजमेंट होना चाहिए, उनकी भी ब्रीफिंग आवश्यक है। मैं एक सवाल और आता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं त्रिवेदी साहब, मैं एक सवाल पे आपके पास ही आता हूँ।
हम लोगों को जो एम्बेसडर कार्ड हम देखते हैं बचपन से देखते आ रहे हैं और दैट इज ए सिंबल ऑफ द गवर्नमेंट, उसका कार का जो मरम्मत होती है नई कार आने के बाद जो बनाती है रोज जिसको रिपेयर करती है बुलेट प्रूफ बनाती है उसमें 3 महीने लगते हैं, वो कार ना रह करके जुगाड़ हो जाती है अंत तक। मैं आपसे एक निवेदन ये करूं जब मैं प्रधानमंत्री के लिए कार लेने गया तभी कंटेसा नहीं बनी थी जी। तो मैं इनकी फैक्ट्री में गया देखा कंटेसा कैसे बनती है जी। फिर हम लोगों ने तय किया कि उसको बुलेट प्रूफ बनाना आवश्यक है। वो 2 महीने 3 महीने जो भी लगे हम लोगों ने दिल्ली के और पास जो फैक्ट्रीज थी जो उसको बुलेट प्रूफ बना सकती थी उसको बुलेट प्रूफ बनाने के लिए तय किया हम लोगों ने, क्योंकि उसमें बुलेट प्रूफ बनाने के साथ ही देखना है उसका वेट कितना है, स्पीड गेन करेगी नहीं, किस तरह के वेपन उसमें इफेक्ट कर सकता है, किस तरह के नहीं करेगा, और सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द वीवीआईपीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदर इट टेक्स टाइम और डज नॉट टेक इट। नहीं, बट डू यू थिंक दिस एम्बेसडर कार इज सिक्योर फॉर द प्राइम मिनिस्टर? नॉट एम्बेसडर, इट इज कंटेसा वाज यूज्ड। यस, तो देखिए बट तो कंटेसा तो है नहीं, अब तो एम्बेसडर से चलते हैं। बट सिंगल साहब मुझको बताइए, आपका आप तो खैर पूरी उम्र एम्बेसडर में घूमे होंगे, इज दिस कार मेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी? क्वेश्चन है, आप हमको बुलेट प्रूफ बनानी है जी, तो और बुलेट प्रूफ बनने के बाद वो कार जुगाड़ हो जाती है, जुगाड़ आप समझ रहे हैं, बट अकॉर्डिंगली द इंजन यूज्ड इज आल्सो हायर पावर, इट्स नॉट द यूजुअल एम्बेसडर इंजन। वो जुगाड़ वगैरह जो आपने कहा वो नहीं हो जाती है, इसका वेट बढ़ जाता होगा और इंजन भी हम दूसरा यूज करते हैं, ड्राइवर भी रेगुलरली हम चेंज करते रहते हैं और उसकी इफेक्टिव से देखिए, आप मुझको नहीं मालूम है, आप लोग सब लोग बैठे हैं प्रधानमंत्री की कारों में, आप भी बैठे हैं, उसका दरवाजा प्रधानमंत्री खुद खोल करके बाहर नहीं आ सकते जोगिंदर सिंह जी, उसका दरवाजा बाहर से उनके असिस्टेंट खोलते हैं उस कार का। देखिए खोलना चाहे तो खोल सकते हैं जी, ऐसा है कि ये जो हैं जी एक तरह से उनका प्रधानमंत्री को कार की बजाय टैंक पे बैठा देते हैं, तो ये भी जरूरी है कि जो व्हीकल्स भी हों उनके लिए मैं ये सारे एस्पेक्ट आपको ओवरहॉल करके बता रहा हूं, द होल कम्युनिकेशन सिस्टम विच इज almost PM must have the best of things here. Yes. ये जो है जैसे ये पार्लियामेंट खुद सेंक्शन करती है, आई थिंक इन ऑल फेयरनेस somebody should not treat SPG as a part of going through the same FA, same under secretary, same finance also. They say it's utmost thing. Whatever they want should be given. नहीं, एक बात मैं मेंशन करूंगा, एसपीजी जो उनका जो फंड्स वगैरह होते हैं, दे आर नॉट कैबिनेट सेक्रेटरी के वो जो जैसे दफ्तर के बाबू के थ्रू नहीं जाते हैं, देयर इज अ रेगुलर ड्रिल फॉर इट एंड दे आर अलॉटेड दैट मच ऑफ फंड्स व्हिच विल कम टू देम। यस, नहीं बाबू तो बाबू नहीं, बाबू गलत बात है, नहीं नहीं, बस कोई चीज सरकार है बाबू की बात चलती नहीं, कोई चीज रिक्वायरमेंट्स आर डोंट नो 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 दे गो टू द कैबिनेट सेक्रेटरी। यस, बट पॉइंट इज व्हेदर कैबिनेट सेक्रेटरी कंसल्ट्स बाबू। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जो फंड्स उनको जरूरत पड़ती है, जो गैजेट्स उनको जरूरत पड़ती है, वर्ल्ड के किसी भी कोने से गैजेट्स मंगाए, उनको गैजेट्स तो मंगाए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक पैरामीटर्स है जिसको चेंज ही नहीं करना चाहते, नहीं किस पैरामीटर बात, मैं गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, गाड़ियों के मतलब उनके स्टाफ की गाड़ी देख करके व्हाट इज रॉन्ग विद द एंबेसडर, व्हाट इज रॉन्ग विद द एंबेसडर व्हिच हैज बीन रीइंफोर्स्ड। नहीं नहीं, यू टॉक टू द एसपीजी पीपल बिकॉज आई कांट डिस्क्लोज दैट थिंग, बिकॉज आपने कहा प्रोग्राम शुरू करने से पहले पहले तो ये मुद्दा डिस्कस नहीं होना चाहिए। जो चाहिए द डायरेक्टर एसपीजी शुड ओनली बी ऑथराइज्ड फॉर हैंडलिंग ऑल दीज मैटर्स हियर, जो मर्जी लेफापोती कर लें, बाबू को छोड़ नहीं देंगे। अब सिंगल साहब बैठे पार्लियामेंट में मेंबर हैं, सर ये तो मैं पार्लियामेंट कमेटी का भी तक नहीं हुआ अटैक के बाद, सिंगल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिंगल साहब आपका भी, और त्रिवेदी साहब आप आए, आपका भी बहुत बहुत अगेन मिशन, आप इसको नोट कर लें, एसपीजी गेट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हिच दे वांट। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। पार्लियामेंट जो सैंक्शन करती है उसको नहीं मिला एसपीजी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के तमाम तरह के सवाल आने वाले दिनों में भी उठेंगे, लेकिन जितने सवाल हमने यहाँ उठाए हैं वो खुद एसपीजी के लोग और प्रधानमंत्री सुरक्षा से घिरे लोग खुद चिंतित हैं, चिंतन चल रहा है, और हमारी भी कामना है प्रधानमंत्री देश के सुरक्षित रहें, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का सवाल नहीं है, ये सवाल देश के प्रधानमंत्री का है। हम कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा। घटना चक्र के सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले सर MDH MDH।